तो हेलो एंड वेलकम यार गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब डूइंग ग्रेट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं एंड हम आज डिस्कस करेंगे डेजो के गो पोर्ट्स जो कि जल्द ही इंडियन मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे 3000 रुपये पे। एंड ये जो लॉन्च होंगे वो होंगे 6 सितंबर से अवेलेबल होंगे फ्लिपकार्ट पे एंड आप फ्लिपकार्ट से इनको परचेज कर सकते हैं। बट थिंक क्या है गाइस, और डेजो के ये ईयरबड्स कैसे हैं, क्या इनका लुक एंड डिज़ाइन है, वो हम बात करेंगे। बट काइंड ऑफ थिंग है, मैं रियलमी से सरप्राइज्ड हूँ। लाइक जो इन्होंने डेजो गो पोर्ट्स डी के साथ किया था, वही इन्होंने डेजो गो पोर्ट्स के साथ भी किया है। डेजो गो पोर्ट्स आपके रियलमी Q2 नियो से पहले लॉन्च हुए थे एंड काइंड ऑफ सेम डिज़ाइन आपको देखने को मिलता था दोनों के दोनों ईयरबड्स टीवीएस में। एंड अभी हमारे पास वो हैं भी, आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिटरली दोनों सेम यहाँ पे दिखते हैं, सेम फीचर आपको मिल जाते हैं एंड 90% दोनों आपको सेम फीचर्स ऑफर कर रहे हैं। प्राइस थोड़ा बहुत डिफरेंस है एंड सेम गोज विद डेजो गो पोर्ट्स को इन्होंने रियलमी के जो बर्ड्स हैं एयर उनके साथ सिमिलर यहाँ पे रखा है। मैं आपको दिखा देता हूँ बेटर आइडिया के लिए एंड आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या मैं बात कर रहा हूँ एक्चुअल में। एंड लेटर ऑन बताऊंगा कि वर्थ इट होगा इनको परचेज करना, नहीं होगा। एंड जब ये लॉन्च होंगे हम अनबॉक्सिंग वीडियो भी कर लेंगे। तो अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देख लेते हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो चीज़। तो गाइज राइट साइड में आपको दिख रहा है डेजो एंड ये जो लेफ्ट साइड में है ये रियलमी के बर्ड्स एयर हैं। ओके, प्राइस आपको यहाँ पे 3000 रुपीज़ मिल रहा है। 10mm के ड्राइवर हैं एंड 88ms की लेटेंसी है। यहाँ पे भी आपको 10mm के ड्राइवर मिल जाते हैं एंड लेटेंसी भी 88ms है। प्राइस उनका थोड़ा ज़्यादा है, लाइक ये रियलमी के जो बर्ड्स एयर हैं 3300 में अवेलेबल है, बट ये डेजो आपको थोड़ा सस्ता में अवेलेबल करा रहे हैं। सेम 25 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाता है। अगर एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको कम बैटरी लाइफ मिलेगा। ओके, डिज़ाइन भी आप दोनों देख सकते हैं, दोनों का नियरली सेम है। बस यहाँ पे इन्होंने काइंड ऑफ टू फिनिश लगा कर दी हैं एंड वन ब्लैक एंड वाइट आपको डिज़ाइन काइंड ऑफ मिल जाता है। आपको IPX5 का वाटर रेजिस्टेंट मिल जाएगा सेम जो यहाँ पे था एंड रियलमी की लिंक ऐप से ही आप इनको यूज़ कर पाएंगे। तो इन एक्चुअल गाइस मच डिफरेंस नहीं है एंड आपको सेम एक्सपीरियंस ही मिल रहा है। अगर आप जो स्पेसिफिकेशंस का पोर्टल है पोर्शन है वो भी अगर आप यहाँ पे ओपन करके देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली सेम यहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं। तो उतना डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। एंड कौन सा आपको लेना चाहिए, कौन सा आपको नहीं लेना चाहिए, तो डेजो तो रीब्रांड है राइट रियलमी का। ओके, एंड अगर आप ओरिजिनल रियलमी लेना चाहें कि रियलमी को के ईयरबड्स ही लेना चाहें तो आप रियलमी ले सकते हैं। बाकी इनमें दोनों में मच डिफरेंस नहीं है, वो लेटर हम बात कर लेंगे जब हमारे पास ये अवेलेबल होंगे। बट अभी के लिए सेम आप उनको मान के चलिए कि सेम ही ईयरबड्स आपको मिल जाते हैं थोड़ा सस्ते प्राइस में एंड रीब्रांड किए हुए। तो आई होप गाइस आपको जो मैं समझाने की एंड बताने की कोशिश कर रहा था वो समझ में आ गया होगा एंड अच्छी बात है, थोड़ा सस्ते में एंड सेम कंपनी ही आपको वही प्रोडक्ट अवेलेबल करा रही है। 300 रुपये आप बचाएंगे ही अगर आप डेजो परचेज कर रहे हैं। बट अगर आपने ऑलरेडी रियलमी के जो एयर हैं वो परचेज कर लें देन नथिंग कैन बी डन। ओके, तो देख लेते हैं गाइज इन एयर्स को हम 6 तारीख को लॉन्च होंगे, 6 तारीख को लॉन्च क्या सेल के लिए अवेलेबल हो जाएंगे एंड अनबॉक्सिंग हम कर लेंगे। वन थिंग अच्छी है, आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन मिल जाती है। बट मैं अगेन आपको बोलूँगा कि अगर आप 3000 रुपये भी इन्वेस्ट कर रहे हैं एयरबड्स में तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन पे, जो कि रियलमी Q2 में भी थी। ओके, बट स्टिल मिल जाती है तो देख लेंगे क्या फ़र्क पड़ता है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड, सी यू सून एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए गाइस। थैंक यू, बाय बाय।